नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचेंद्र, आप देख रहे हैं टॉपर्स स्ट्रेटजी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2016 में आई हुई कुछ पजल्स, जिसमें एक पजल रहेगी आपकी डे वाइज वाली, वीकली वाली, और एक जो रहेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचेंद्र, आप देख रहे हैं टॉपर सिस्टर जी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2016 में पूछी गई एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल, और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते थे और किस प्रकार से जो है आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको ये जो पजल दिख रही है इसे मैं बता देता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। सेवन लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ए वीक, देयर इज ओनली वन लेक्चर्स ईच ऑन ऑफ द सेवन डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि सेवन लेक्चर्स हैं जो कि एक वीक में हेल्ड होते हैं, मतलब एक वीक में उन्हें अरेंज होता है, और जो है लेक्चर जो है मंडे से स्टार्ट होता है और संडे पर आके ख़त्म होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बना लूँगा, नाम लिख लूँगा डेज के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। दोस्तों, इनके नाम पूरा लिखना नहीं है क्योंकि वो आपकी टाइम की बचत करना है, तो जल्द से जल्द जैसा हो आपसे लिखते जाए, या फिर MTW इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है दो पॉसिबिलिटी के केस लेके चलेंगे, जिससे जो है ज़्यादा कहीं पे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक साइड जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो इस साइड लिखेंगे, दूसरी जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो इस साइड लिखेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है केमिस्ट्री इज टॉट आइदर ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। मतलब बोला गया है कि केमिस्ट्री जो है या तो वेडनेसडे या फिर सैटरडे को पढ़ाया जाता है। वेडनेसडे हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर सैटरडे, केमिस्ट्री वेडनेसडे या फिर सैटरडे। तो यहाँ पर हम एक साइड केमिस्ट्री, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, थ्री लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच जो है तीन लेक्चर शेड्यूल होते हैं, एक दो तीन, केमिस्ट्री और ये आपकी इंग्लिश। अभी तीन लेक्चर हेल्ड हो गए बीच में, अब यहाँ पर भी देखें तो इंग्लिश जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो तीन लेक्चर यहाँ पर हो गए। अब बोला गया है टू लेक्चर्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। मतलब इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच जो है दो लेक्चर आएंगे, इंग्लिश ये है, दो लेक्चर ये हो गए, केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी, सॉरी कंप्यूटर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इंग्लिश ये है, दो लेक्चर ये होगा, दो लेक्चर का गैप है, कंप्यूटर आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब बोला गया लेक्चर ऑन फिजिक्स इज शेड्यूल ऑन द डे विच इज इमीजिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन लेक्चर ऑन बायोलॉजी इज शेड्यूल। पर बोला गया है कि फिजिक्स जो है नेक्स्ट डे टू द डे व्हेन लेक्चर ऑन बायोलॉजी इज शेड्यूल। मतलब फिजिक्स जो है आपका, कंडीशन बता देता हूँ मैं, लेक्चर ऑन फिजिक्स इज शेड्यूल ऑन द डे विच इज इमीजिएटली नेक्स्ट टू द डे वैन लेक्चर ऑन बायोलॉजी इज शेड्यूल। मतलब बायोलॉजी के बाद जो है आपका फिजिक्स का लेक्चर जो है शेड्यूल्ड होगा नेक्स्ट है इसके, ठीक है, और इमीजिएट नेक्स्ट है, इमीजिएट बोले तो तत्काल नेक्स्ट है, मतलब ये पास पास रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें यहाँ पर, अभी अगर हम ये वाली कंडीशन पुट करते हैं तो बायोलॉजी यहाँ जाएगा, फिजिक्स यहाँ जाएगा, बायोलॉजी यहाँ जाएगा, फिजिक्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन, मगर यहाँ पर जो है सिर्फ एक कंडीशन बन रही है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद हम अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो है इसे पुट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है कि लेक्चर ऑन साइकोलॉजी शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर मैथमेटिक्स नॉट नेसेसरीली इमीडिएट आफ्टर मैथमेटिक्स। मतलब साइकोलॉजी का जो लेक्चर रहेगा वो मैथमेटिक्स के बाद रहेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद रहेगा, मगर तत्काल बाद नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स के नीचे साइकोलॉजी आएगा,
इसके बाद देखें, लेक्चर ऑन साइकोलॉजी इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर आइदर सैटरडे और संडे, मतलब साइकोलॉजी का जो लेक्चर है सैटरडे या संडे को नहीं आता है। साइकोलॉजी यहाँ भी नहीं आएगा, सैटरडे है यहाँ पर दिया है। लेक्चर ऑन साइकोलॉजी इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर आइदर सैटरडे और संडे, ना साइकोलॉजी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखें तो बायोलॉजी और फिजिक्स अगर हम यहाँ पर सेट करते हैं तो सेम यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, साइकोलॉजी ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर, ये ऊपर ये जो है ये नॉट है, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा। बायोलॉजी और फिजिक्स सेट करें, बायोलॉजी और फिजिक्स जो है तत्काल एक दूसरे के आसपास पड़ोसी हैं, मतलब बायोलॉजी आप किया जाएगी यहाँ पर, फिजिक्स जो है आप किया जाएगी यहाँ पर। अब देखें मैथमेटिक्स जो है साइकोलॉजी से ऊपर रहेगा, जगह सिर्फ दो खाली हैं, दो खाली हैं। अगर हम मैथमेटिक्स यहाँ पर रखेंगे तो साइकोलॉजी के लिए सिर्फ ये जगह बचेगी। अगर हम सोचें मैथमेटिक्स यहाँ रखें साइकोलॉजी ऐसा रखें तो ये कंडीशन जो है गलत है, मतलब आपकी ये पॉसिबिलिटी जो है गलत है, ये फॉलो नहीं कर रही है। अब इसके बाद हम देखें यहाँ वाला रूल फॉलो करें, अगर हम ये वाला रूल अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका अगर हम बायोलॉजी और फिजिक्स, सॉरी बायोलॉजी अगर हम यहाँ पर रखते हैं और फिजिक्स जो है यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तत्काल पड़ोसी हैं, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसके बाद बोला गया है कि मैथ्स के बाद ही साइकोलॉजी आएगा, तो यहाँ पर आप मैथ्स रख दें और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइकोलॉजी, मतलब ये वाला जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप इस तरीके से आसानी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये जो है आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के बीच सॉल्व करना है, और मैं उम्मीद रहता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे आसानी से मैक्सिमम 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को कौन सा लेक्चर शेड्यूल होता है, थर्सडे को कंप्यूटर शेड्यूल होता है, ये पाँचवा हो गया आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डे लेक्चर इज करेक्ट, मतलब ऐसा डे और लेक्चर का कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सही है, सैटरडे और फिजिक्स, सैटरडे और फिजिक्स ये सही है। हम और चेक करें कि और क्या है, मंडे जो है बायोलॉजी, नहीं मंडे को तो मैथ्स है, ये गलत है। तीसरा ट्यूसडे जो है इंग्लिश को, ट्यूसडे को साइकोलॉजी, मतलब ये भी गलत है। चौथा देखें थर्सडे जो है इंग्लिश को है, थर्सडे कंप्यूटर है, ये भी गलत है आपका। पांचवा संडे कंप्यूटर, संडे को इंग्लिश है, तो ये भी गलत है, मतलब राइट आंसर जो आपका 19 का पहला आएगा। ठीक है, अब 20 वाला क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कि हाउ मेनी लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में कितने लेक्चर शेड्यूल्ड होते हैं। फिजिक्स कहाँ पर है आपका, फिजिक्स है आपका यहाँ पर, और इसके बाद पूछा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच कितने लेक्चर हैं, फिजिक्स ये है केमिस्ट्री ये है, मतलब इन दोनों के बीच कितने लेक्चर हैं, दो लेक्चर हैं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 21वां वाला क्वेश्चन देखें, इफ़ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो है अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है किसी प्रकार से, टू कंप्यूटर इन ए सर्टेन वे बेस्ड अपॉन द, एक मिनट शुरू से पढ़ते हैं, अगर If chemistry is related to biology, chemistry is related to biology and psychology is related to computer in a certain way based upon the given lectures schedule, then biology will be related to which of the following based upon the same relationship, मतलब यहाँ पर पूछा गया आपसे क्या chemistry जो है biology से related किसी way में, मतलब किसी तरीके से, ठीक है, और psychology जो है computer से related है किसी way में। तो इन्होंने पूछा है कि बायोलॉजी जो है किस प्रकार से रिलेटेड होगी, या मतलब किससे रिलेटेड होगी अगर हम इन दो तरीकों को देखते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कंप्यूटर। तो हम देखें केमिस्ट्री जो है ऊपर है और बायोलॉजी जो है एक गैप छोड़कर है, ठीक है, सेम जो है साइकोलॉजी के साथ है, साइकोलॉजी यहाँ पर है और कंप्यूटर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रही है एक को छोड़कर, तो सेम यहाँ पर होगा आपका बायोलॉजी के लिए आंसर क्या आएगा, बायोलॉजी एक गैप छोड़ दीजिए और नीचे आ जाए तो आ जाएगा आपके इंग्लिश, मतलब राइट आंसर जो है आपका इंग्लिश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द लेक्चर ऑन साइकोलॉजी शेड्यूल्ड, मतलब साइकोलॉजी के दिन कौन सा लेक्चर शेड्यूल होता है, नहीं
मतलब किस दिन में साइकोलॉजी का लेक्चर शेड्यूल होता है? साइकोलॉजी का लेक्चर जो है ट्यूसडे को शेड्यूल होता है, तो राइट आंसर आएगा आपका थर्ड। अब इसके बाद मैं आपको एक जल्दी से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का। वह क्वेश्चन भी जो है SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2016 में आया था, ये आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आप ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे हैं ये भी जो है SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ था। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बताया गया है एट फ्रेंड्स ABCDEFGH और सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, फर्दर इट इज नोन दैट, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि आठ लोग हैं, ठीक है, वे एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठते हैं, आठ लोग बैठा देंगे हम, ठीक है, और सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ भी वो लोग जो है देख रहे हैं, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद पहली इंफॉर्मेशन दी गई डी सिट्स अपोजिट एच, मतलब डी जो है एच के अपोजिट बैठता है, एंड ई सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब ई जो है एच के इमीडिएट लेफ्ट बैठता है, एच के इमीडिएट लेफ्ट बैठा दिया हमने ई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन देखें बी कैन नॉट बी एन इमीडिएट नेवर ऑफ आइदर डी और एच, मतलब बी जो है डी और एच का जो है इमीडिएट नेवर नहीं है, तो बी नॉट कर दिया, मतलब डी और एच का इमीडिएट नेवर नहीं है तो डी के आजू बाजू में नहीं बैठेगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा। अब देखा दिया गया एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब बी जो है एच और डी का इमीजिएट लेफ्ट नहीं है, और एंड सिट्स थर्ड एंड जब भी आता है तो ये जो है दूर वाले का बात करता है, तो यहाँ पर जो है बी की बात चल रही, मतलब बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें एफ के लेफ्ट में थर्ड बैठा है बी, सॉरी थर्ड, ठीक है। अब चूंकि हमें एफ की पोजीशन पता नहीं है, एफ यहाँ भी आ सकता है, 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 ठीक है, दो कंडीशन आ रही हैं, इसलिए अभी जो है इस वाली इंफॉर्मेशन को जो है हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक। अब अगली देखें जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, अभी भी यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसे भी होल्ड कर कर रखेंगे, जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, या तो आप चाहें तो होल्ड करके रख लें आपको जैसा ठीक लगे, या फिर आप चाहें तो पॉसिबिलिटी केसेस बनाते रहें। अगर आप पॉसिबिलिटी डायग्राम ज़्यादा बनाएंगे तो निश्चित है कि आपका जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, अगर छोटी पजल है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो है थोड़ी अगर इन्फॉर्मेशन कहीं पर होल्ड करने की ज़रूरत पड़े तो आप निश्चित ही बेझिझक आप होल्ड करके रखिए और आखिरी पॉइंट तक जाइए कि देखिए कि वाकई में आखिरी पॉइंट से कुछ सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद जो है आप उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन है इसे पुट करते जाइए, ठीक है। अब जी सेकेंड्स टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में जी बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद दिया एफ इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ एच, अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन दे दी कि भैया एफ जो है एच का नेबर नहीं है, एच का नेबर यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है एफ नहीं आएगा। अब देखें हम पहली इन्फॉर्मेशन एफ के लेफ्ट में थर्ड बी बैठा है, एफ कहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आ सकता है, तो अगर इसके थर्ड में हम बी बैठाए तो यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर बैठा है तो यहाँ वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर भी एफ अगर हम बैठाते हैं यहाँ वाली जगह, ठीक है, एफ के लेफ्ट में थर्ड, एक दो तीन, तो ये आ गया आपका बी। अगर हम एफ यहाँ बिठाते हैं तो बी आएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर जो है बी नॉट है, मतलब बी तो यहाँ पर आना ही नहीं है, तो ये जो है एफ और बी हमने बिठा दिए हैं। अब इसके बाद दिया है कि सी के दाएं सेकंड जी है, सी के दाएं सेकंड जी कहाँ है, अगर हम सी यहाँ बिठाएंगे तो जी यहाँ पर आएगा, जो कि ट्रू नहीं होगा, तो हम सी यहाँ बिठाएंगे तो जी आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा हमारा सिर्फ एक जगह, यहाँ पर क्या आएगा हम देखते हैं, सब कुछ हो गया है शायद, ए बस बचा है, तो ए जो हमने यहाँ पर बैठा दी, ये जो है आपका हो गया सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब इसके जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है छठे वाले क्वेश्चन में दिया हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के जो है एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, ए है, ठीक है भैया ए है, ये सिंपली आपको दिख ही रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी,
ए और सी के बीच में कितने लोग? ए और सी के बीच में इस साइड से देखें तो 2 लोग हैं, इस साइड से देखें तो 4 लोग हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सी से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है आपकी इस साइड होती है, तो सी और ए के बीच में कितने बैठे हैं? अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो 2 लोग हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो फिर 4 लोग होते, मगर क्लॉकवाइज पूछा इसलिए 2 लोग बैठे हैं। आठवें की बात करें, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज अकॉर्डिंग टू द अबव सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस सीरीज में, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर हम इस सिटिंग अरेंजमेंट से देखते हैं। तो देखें, डी आ गया, ए आ गया, ठीक, डी ए सी और एफ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखें। डी के बाद आएगा आपका सी, सी के बाद यहाँ पर ए सी, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखना, डी के बाद ये जो है एक एक सीट का गैप आया, इसके बाद बी एस सी आ रहा है तो ये जो है आपका 2 सीट का गैप आया, इसके बाद जो है 3 सीट का गैप आया, देख रहे हैं आप। सी आ गया, सी के बाद क्या आ गया, एफ, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड, और ये जो है 3 सीट का गैप आ गया। अब इसके बाद जो है चौथी से 4 सीट का गैप आएगा, एक एक 2 3 4, तो ये आ गया आपका बी, मतलब राइट आंसर आएगा आठवें का बी। अब इसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखें, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजिशन, मतलब पूछा गया है फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजिशन एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब यहाँ पर दिया है कि 5 में से 4 ऑप्शन जो हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम किसी तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंध रखते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपस में संबंध नहीं रखता। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, तो हमें ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ए है, ई है, ए ई, मतलब ये दोनों पास पास हैं, सी है, एच है, सी एच है। अब यहाँ पर देखना, ए इस साइड, ए से ई आया, सी से एच आया, मतलब ये जो है उल्टा चल रहा है। बी से जी आया, बी से जी आया, सी से ई आया, सी से ई आया, एफ से डी आया, सी से ई आया और एफ से डी आया, मतलब सभी में जो है कोई भी गैप नहीं है, इन सभी में जो है आपस में पड़ोसी हैं, सिर्फ सी और ई के बीच में जो है 1% का गैप है, मतलब राइट आंसर आया आपका फोर्थ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ये दोनों पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर ली हैं। अगर अभी मैं जो है आपके लिए SBI क्लर्क प्री 2016 में आए हुए कुछ क्वेश्चन और लेके रखा हूँ, उनको बताऊँगा कि आप उन्हें कितनी जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल सुझाव हैं तो कमेंट करके बताएं, अगर पसंद आया तो भी कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।